आज के इस वीडियो में हम डाइवर्टर किस प्रकार से लगाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारा डाइपोड के ऊपर स्पाउट का पॉइंट हो गया, साथ ही डिपोड के ऊपर हमारा ये डाइवर्टर हो गया। इधर हमारा कोल्ड वाटर है, इधर हमारा हॉट वाटर है, ये साउथ के लिए हो गया। इसमें चारों तरफ लिखा होता है कौन से में क्या लगाना है, वो आप देख सकते हो। इसमें एचरसी सावर स्पाउट सब कुछ ये, और ये हमारी गीजर की पाइपलाइन होगी जो यहाँ पर कनेक्ट होगी, और ये हमारा 1 इंची का CPVC पाइपलाइन आ रही है यहाँ तक ताकि प्रेशर अच्छा सा मिले। ऊपर से हमने 1.5 इंची पाइपलाइन लिए हैं। ये हमने यहाँ पर ग्रोए की कंसोल सिस्टम लगाई है, और ये हमारा वॉलिंग सीट लगेगी यहाँ पर, वो उसका हमने पॉइंट बनाया है। और इधर हमारा ये कंट्रोल वाल है जो सिस्टम के लिए प्लस के लिए है, कभी हमें रिपेयरिंग करनी हो तो हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक हेल्थ पॉसेट के लिए जेट स्प्रे के लिए पॉइंट बना दिया है, और ये हमारी लाइन आ रही है ऊपर से, और यहाँ पर हमारा एक इधर का सिस्टम हो गया। इधर हमारा ये के पॉइंटर के अंदर यूरिनल आएगा, और यूरिनल का पॉइंट हमने 3.5 फुट के ऊपर 4 फुट के ऊपर किया है, 4 फुट के ऊपर करना है यूरिनल का पॉइंट। और ये हमारा सिर्फ वॉश बेसन लगेगा वॉल माउंट, उसके लिए हमने पॉइंट छोड़ दिया है। यहाँ पर हमारा बोतल ट्रे का पॉइंट बनेगा। ये हमने पूरी पाइपलाइन के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल वाल लगाया है, हमें टंकी के पास नहीं जाना पड़ेगा वाल ऑन ऑफ करने के लिए।